एस न्यूज। बदमाशों के हौसले आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला संभल जिले के बहजोई का है, जहां पर विनोद पुत्र नन्नूमल के घर पर बम्बा रोड बहजोई में रात को लगभग 2:30 बजे के लगभग 6 लोग नकाब लगाकर ऊपर से जाल के रास्ते नीचे उतरे और विनोद को अपने कब्जे में लेकर लूटपाट शुरू कर दी और मारपीट भी की। इसके बाद में लगभग 2.5 लाख रुपया कैश, 2 अंगूठी, 1/2 किलो चांदी, 1 ओम बना हुआ तथा नकदी लेकर जाते समय जान से मारने की धमकी भी देते हुए चले गए। उनका कहना था कि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं देना, वरना इस दुनिया से चले जाओगे। संभल जिले के बहजोई में हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और बदमाशों के प्रति लोगों में खासा खौफ व्याप्त है। देखने वाली बात यह है कि इतनी देर बाद भी अभी तक बदमाशों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है। हॉपलेस हो गया उन्होंने, जब मेरे सारे शरीर पे हथियार लगा दिए ना, बड़ा हॉपलेस हो गया था मैं।